पिक्सल में कोई चेंज लाएंगे और या वॉल्यूम में कोई चेंज लाएंगे, ओके गाइस। अब देखिए हम लोग जो ऊपर पैरामीटर्स दिए गए थे उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब हम लोग या तो प्रेशर को कांस्टेंट करके, कांस्टेंट को मतलब प्रेशर स्टार्टिंग में भी प्रेशर 37 डिग्री सेल्सियस था और लास्ट तक में भी 37 डिग्री सेल्सियस था, तो ये कहलाता है प्रेशर को कांस्टेंट होना। और टेम्परेचर कांस्टेंट होने, सॉरी ये था टेम्परेचर कांस्टेंट होना। अब मैं प्रेशर कांस्टेंट होने को बता दूं, मतलब कि पहले भी आप प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे थे, आखिरी तक में भी आपने प्रेशर 1 एटीएम ही लगाया। अगर आप इसको कांस्टेंट रखेंगे तो इन दोनों के बीच में फॉर्मूला बनेगा, अगर आप इसको कांस्टेंट रखेंगे मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो इन दोनों के बीच में बेसिस में फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी यूनिट्स बता देना चाहता हूँ, तो इसके कुछ यूनिट्स थे, ओके गाइस। आप देखिए यूनिट्स हम लोग देख लेते हैं, मतलब तीन चीजें हमने पढ़ी, क्या पढ़ा, प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम। अब देखिए टेम्परेचर की बात करें, मैं पहले कॉलम्स बना लेता हूँ, टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब देखिए मैं सबसे पहले एंगल के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, एंड इंडिकेटर ऑफ द एवरेज काइनेटिक थ्योरी, मतलब ये काइनेटिक थ्योरी को बताता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था काइनेटिक थ्योरी में क्या क्या बताया गया था। अब देखिए मैं सबसे पहले आपको इसकी यूनिट बताना चाहूंगा, इसकी यूनिट जो सेल्सियस में होती है, सेल्सियस में होती है वो होती है, मतलब सेल्सियस अगर हम लोग नापे तो वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस, 0 नहीं सेल्सियस, ओके गाइस। तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और अगर हम लोग इसकी उसी में बात करें केल्विन में, इसकी एक दूसरी यूनिट होती है एसआई यूनिट टेम्परेचर की, केल्विन ही अगर उसको हम लोग उसमें बात करें तो ये होती है 200 डिग्री के, मतलब इसको हम लोग किस में लेंगे, डिग्री के में, ओके गाइस। और फॉरेनहाइट में भी इसी तरह होता है, लेकिन फॉरेनहाइट हम लोग यहाँ बताया नहीं गया, इसमें फॉरेनहाइट का कन्वर्जन नहीं आएगा। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जब अटैच किया गया, मतलब देखिए अगर आपको सेल्सियस दिया गया होगा तो केल्विन में पूछेगा, अगर केल्विन में दिया होगा तो सेल्सियस में करेगा। इसमें अब आपको ये सोचना है कि इसमें अब कन्वर्ट आखिर में आंसर में करेंगे किसमें, तो एसआई यूनिट क्या है, केल्विन का हमेशा हम लोग आखिर तक में कन्वर्ट एसआई यूनिट को ही, आंसर हमारा आखिर में एसआई यूनिट में ही आएगा। तो सेल्सियस को जब लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो माने सेल्सियस हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं अपना 37। अब क्या अगर हम लोग 37 में प्लस 273 जो इसकी वैल्यू होती है वन केल्विन की, वो होती है 273, तो अगर हम लोग इसको इसमें प्लस कर देंगे तो टोटल आएगा हमारे पास 310, ये हो जाएगा केल्विन। तो 310 37 सेल्सियस इज इक्वल टू 310 केल्विन, मतलब एक कंपैरिजन आता है, मैं उसका आपको फॉर्मूला बता दूंगा जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला K इज इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273, K इज इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273, मतलब केल्विन 273 और केल्विन निकालने के लिए 273 केल्विन होता है, और सेल्सियस में आपकी जितनी वैल्यू दी होगी वो आ जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर की, मतलब प्रेशर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो प्रेशर की जो पहली वैल्यू है वो हो सकती है एटमोसफेयर, जैसा मैंने आपको बताया पहली यूनिट है एटीएम, एटमोसफेयरिक प्रेशर को हम लोग शॉर्ट में एटीएम से लिख सकते हैं, तो पहली यूनिट कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी एटीएम। आप देखिए गाइस उसके बाद हो जाएगी सेंटीमीटर एचजी, मतलब जो सेंटीमीटर एचजी एचजी मतलब यहाँ मर्करी बात हो रही, वो किसके इक्वल होगा, मिलीमीटर एचजी, मतलब कि सेंटीमीटर एचजी इक्वल टू मिलीमीटर एचजी। और यहाँ पे टॉर एक यूनिट होती है, टॉर एक टाइप का प्रेशर ही है टॉर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पूरा नाम क्या होता है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट तक में इसका पूरा नाम बता दूंगा। वैसे मैं बताना चाहता हूँ उसका पूरा नाम होता है TORRIECELLI, टॉर्सिली टाइप में होता है इसका पूरा नाम, ओके गाइस। और हम लोग जो प्रेशर की यूनिट होती है वो होती है 1 एटमॉस, ये मैंने आपको बता दिया 1 एटमॉस। 1 एटमॉस में कितना होता है, 1 एटमॉस में होता है 76, 1 एटमॉस में कितना होता है गाइस, अब मैंने आपको बताया उसमें होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। और 76 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, 10 होता है, तो 76 × 10 = 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी। तो ये थी हम लोग की यूनिट्स किसकी, प्रेशर की। अब हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम की प्रेशर। अब मैं अगर आपको बता
So tall is equal to 1 mm of Hg. क्या टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ एचजी। अब मैं वॉल्यूम की आपसे बात करूंगा। वॉल्यूम तो आपको पता है, जैसे 1 लीटर हो गया, 1 लीटर क्यूब, 1 डेसी लीटर क्यूब, 1 लीटर क्यूब, 1 मिली लीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके साथ और बहुत सारी होती है, डेका मीटर लीटर, मतलब डेका लीटर क्यूब, तो ये बहुत सारी इसकी यूनिट है। टेम्परेचर की सेल्सियस केल्विन, प्रेशर के एट 180 एम सेंटीमीटर ऑफ एचजी टॉर, और वॉल्यूम की लीटर मिलीमीटर डेकामीटर, लीटर डेसी लीटर डेकालीटर मिलीलीटर, और बहुत सारी होती है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे सीधा डायरेक्ट अपने तीनों लॉस पे आएंगे और तीनों लॉस को हम लोग देखेंगे। पहला लॉस जो था वो चार्ल्स जी ने दिया था, मतलब चार्ल्स ने भी दिया था और बॉयल्स ने भी दिया था, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे किसका पहले, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बॉयल्स लॉ। तो देखिए बॉयल्स ने क्या किया था, बॉयल्स, मैं बॉयल्स लॉ की यहाँ पे बात करूंगा। बॉयल्स लॉ मतलब बॉयल्स एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने एक लॉ दिया था। उन्होंने उसमें क्या किया था, मैं आपको इसको पहले थ्योरी बता दूंगा, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। रॉबर्ट बॉयल फाउंड दैट अ कांस्टेंट टेंपरेचर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस डज नॉट इंक्रीज। देखिए इन्होंने क्यों क्या किया था, रॉबर्ट बॉयल ने टेंपरेचर को, रॉबर्ट बॉयल ने टेंपरेचर को कॉन्स्टेंट रखा था और उसके बेसिस पर एक लॉ बनाया। एक लॉ कौन सा बनाया, देखिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया तो प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग हो जाएगा, तो P1 उसमें एक इनिशियल प्रेशर होगा, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर और प्रेशर हो गया है, इनिशियल टेम्परेचर हो गया, फाइनल प्रेशर हो गया, इनिशियल टेम्परेचर हो गया, और वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा। तो टेम्परेचर को जब कॉन्स्टेंट रखा तो एक फॉर्मूला आया, P1 मतलब प्रेशर, इनिशियल प्रेशर प्लस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर इज और फाइनल वॉल्यूम, P1 इज इक्वल टू P2। ये हो गया हम लोग का पहला लॉ। और जो दूसरा लॉ था वो दिया था चार्ल्स जी ने, मतलब चार्ल्स जी कौन थे, एक चार्ल्स ने भी एक लॉ दिया था, उसे हम लोग कहते हैं CHARLES, उसकी स्पेलिंग होती है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने क्या किया था, इन्हें क्या अपोजिट किया था, मतलब कि ये फॉर्मूला आप दिखे रहने दीजिए और देखिए, उन्होंने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रखा, उन्होंने प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा, प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा मतलब कि टेम्परेचर और क्या हुआ, टेम्परेचर और वॉल्यूम का चेंज होगा। उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो था V1 upon T1 = V2 upon T2। ये था, ओके गाइस, V1 upon T1 = V2 upon T2। ओके गाइस, अब देखिए ये दो लॉस आ गए। अब क्या हुआ, इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया गया, मतलब कंबाइन करने पे कुछ भी कॉन्स्टेंट नहीं था, तो मैं आपको उसका फॉर्मूला यहाँ बताना चाहूंगा। जब इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर दिया जाए, उसके बाद एक नया फॉर्मूला तैयार हुआ, उसे मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके गाइस, तो देखिए जो नया फॉर्मूला था वो था P1 V1 upon T1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P1 V1 upon T1 = P2 V2 upon T2। मतलब जब दोनों कंबाइन थे, इसके नीचे T1 लग गया, इसके नीचे में T2 लग गया, P1 V1 upon T1 = P2 V2 upon T2। ये कौन सा है, कंबाइन लॉ, मतलब जो बॉयल्स और चार्ल्स का कंबाइन करके एक लॉ बनाया गया। तो गाइस ये था हम लोग का आज का वीडियो, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में से कुछ न्यूमेरिकल्स है उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप सुपर 90 क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर लीजिए। बाय बाय। और जो जिन लोगों ने हमारे साथ, मतलब हम लोग को कमेंट भी किया, जिन्होंने कुछ को, और आशा मिश्रा जी ने कमेंट किया है, और सोनल मिश्रा ने, और NXT गेमिंग, थैंक यू भाई NXT गेमिंग, A3D मारिया, थैंक यू थैंक यू।
आप सभी लोगों का थैंक यू जिन्होंने हमारे साथ बने हैं। और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।